कांग्रेस के साबका कौमी प्रधान राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिथे उन्होंने हाथरस दौरे दौरान हुई धक्कामुक्की से अपनी प्रतिक्रिया दी। पंजाब च की गई ट्रैक्टर रैली से विरोधियों के वलों की गई खिचोतान से भी अपना पक्ष रखा। मोदी सरकार दी नीतियां ते इस मौके राहुल गांधी खुल के बरसे। देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। थैंक यू सर, मैं आपसे एक अनुरोध, जो धक्का जो असली धक्का लगा, धक्का छोड़िए जो अनइमेजिनेबल उस परिवार को लगा। आप सोचिए, आपकी बेटी है, यू हैव अ सन, यू डोंट हैव अ डॉटर, सो मे बी यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, पीपल हु हैव डॉटर्स विल अंडरस्टैंड इट, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड द रेप एस्पेक्ट, because that is something that Indian women have to deal with. You will certainly understand the murder aspect. Suppose someone killed your son, and then when you went for justice, they locked you up in your house, and then the DM came to your house and kicked you and threatened you and told you that if you open your mouth, the entire state of Uttar Pradesh will sort you out, and then told you, don't worry, all these protesters, they will go away, Rahul Gandhi will go away, but we will be here. Now you get a feeling, get a sense of how you would feel. That is how that family felt. That is why I went there, because I wanted that family to know that they are not alone.